Assalamu alaikum aspirants. In this video we will discuss European History past paper 2021. So section 1 mein hum question discuss karenge. Describe concept of the Europe foundational principles. Why did the concept of the Europe decline? Ki Europe ke concept ke bunyadi asoolon ki wazahat karein aur Europe ke concept mein kami kyun aayi. So concept of the Europe foundational principles and decline. तो इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं कि यूरोप का कॉन्सर्ट जो है वो एक इंटरनेशनल रिलेशन का निज़ाम था जो 19 सेंचुरी के आगाज में नेपोलियन की जंगों के बाद कायम किया गया था और इसका मकसद क्या था कि बड़े ममालिक के दरमियान तावन के जरिए यूरोप में अमन और इस्तेकाम को बरकरार रखा जाए. देन फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स एंड बैलेंस ऑफ द पावर. बुनियादी असूल इसके क्या हैं कि ताकत का तवाजन जो है वो यूरोप के कॉन्सर्ट का सबसे अहम मकसद था जिसमें बड़े ममालिक बरतानिया इसके अलावा इसमें प्रोशिया रूस और बाद में फ्रांस भी शामिल हुए थे. तो इनके दरमियान ताकत का तवाजन बरकरार रखना था ताकि कोई एक मुल्क यूरोप के ऊपर गलबा हासिल ना कर सके. उसके बाद इसके बजाय कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी कि जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने बैन अक्वामी अमूर के ऊपर एक दूसरे से मशावरत की और मिलकर इकदाम करने के ऊपर इतफाक किया ताकि उनको खतरे में डालने वाले जो भी अवामिल हैं उनसे मिलकर इनके उनका सामना किया जा सके. और इस असूल का मकसद क्या था कि यकतरफा कार्रवाइयों को रोका जाएगा और जो जंग की सबब यानी कि बन सकते हैं. देन प्रिजर्वेशन ऑफ मॉनार्किकल रूल. उसके बाद है कि यानी जो इसके अंदर सिक्योरिटी है यानी इज्तमाई सिक्योरिटी में मेंबर रियासतें बैन अक्वामी जो अमूर थे उसमें एक दूसरे से मशावरत की और मिलकर इकदाम करने के ऊपर इतफाक किया. तो उसमें कॉन्सर्ट ने बादशाह के नजरिए की हमायत की और इंकलाबी तहरीकों की मुखालफत की जो जमहूरियत या फिर रिपब्लिक के क्याम की कोशिश कर रही थी. सो उनका ख्याल था कि मुस्तहकम बादशाहों के जरिए अमन कायम रखा जा सकता है. देन डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन. सफारती तावन जो है वो बड़े ममालिक के दरमियान बाकायदगी से कॉन्फ्रेंसें मुनक़द की जाती थी ताकि मसाइल को बातचीत के जरिए हल किया जा सके, डायलॉग के जरिए हल किया जा सके और तनाजात से बचा जा सके. सो उसके बाद है डिक्लाइन ऑफ द कॉन्सर्ट ऑफ द यूरोप यानी यूरोप के कॉन्सर्ट का जवाल. तो कौमियत का जो अरूज था मुख्तलिफ ममालिक में बढ़ती हुई कौमियत की तहरीकों ने इस स्टेबिलिटी को चैलेंज किया जिसे कॉन्सर्ट कायम रखना चाहता था. तो मुख्तलिफ जो ममालिक थे नेशन थे उन्होंने इज्तमाई मुआहदों के ऊपर अपने मफादात को तरजीह देना शुरू कर दी. ठीक है, उसके बाद हम चेंजिंग पोलिटिकल लैंडस्केप डिस्कस करते हैं कि जो सियासी मंजरनामे में तब्दीलियां आईं, नई ताकतें जिसके अंदर इटली और जर्मनी शामिल थे तो इस तरह की ताकतें उभरी और इसके अलावा नए इतिहादों का क्याम भी कायमशुदा निज़ाम में जो है वो एक डिसरप्शन डालने लगा था. इन ममालिक का इतिहाद जो था वो नई कशीदगी की वजह बन सकता था. देन फेलियर टू एड्रेस क्राइसिस. फिर बहरानों का सामना करने में नाकामी ने कॉन्सर्ट ने कुछ बहरानों जिस तरह से केमई जंग है जो कि 1853 से 1856 तक रही तो इसमें मौसर तरीके से सामना करने में नाकामी दिखाई दी तो जिससे उसकी कमजोरियां जो थी वो जाहिर हुई और मेंबर जो रियासतें थी तो मेंबर रियासतों के दरमियान इख्तलाफात उसकी साख को नुकसान पहुंचाने की वजह बने. इमरजेंस ऑफ द न्यू अलायंसेस. उसके बाद नए इतिहादों का उभार आया तो जैसे जैसे ममालिक ने अपने मफादात की खातिर नए इतिहाद बनाए इब्तदाई तावन की रूह जो है उससे मादूम होने लगी थी, फेडेड होने लगी थी. सो द अलायंसेस formed prior to World War I and marked a departure from the concert principles. यानी पहली आलमी जंग से पहले बनने वाले इतिहाद यूरोप के कॉन्सर्ट के असूलों से इनहराफ की अलामत थी. सो इस क्वेश्चन को हम कंक्लूड करते हैं कि यूरोप का कॉन्सर्ट जो है वो इब्तदा में ताकत के तवाजन, इज्तमाई सिक्योरिटी और इसके अलावा सफारती तावन के बुनियादी असूलों के जरिए अमन और इस्तेकाम बरकरार रखने में कामयाब रहा. तो कौमियत के अरूज, इसके अलावा चेंजिंग पॉलिटिकल डायनेमिक्स, फेलियर टू मैनेज क्राइसिस एंड इमरजेंस ऑफ द न्यू अलायंसेस. तो इन तमाम चीज़ों ने यानी नए इतिहादों के उभरने से इसका जवाल हुआ था जिससे यूरोप में मुस्तकबिल के तनाजात की राह हमवार हुई. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब हाउ नेपोलियन मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट चेंजेस बोथ द मैप एंड पॉलिटिकल बैलेंस ऑफ द पावर इन यूरोप. नेपोलियन की फौजी इतिहाद ने यूरोप के नक्शे और सियासी ताकत के तवाजुन को कैसे तब्दील किया. सो नेपोलियन की फौजी फतवाहत और यूरोप के नक्शे और सियासी तवाजन पर असरात क्या थे हम इसको डिस्कस करेंगे. तो 19 सेंचुरी के आगाज में नेपोलियन बोनापार्ट की फौजी फतवाहत ने यूरोप के ऊपर काफ़ी गहरे असरात मरतब किए थे. उनकी कंपेन्स ने न सिर्फ यूरोप का नक्शा यानी सिरे से तश्कील दिया था बल्कि बरेआज़म में सियासी ताकत के तवाजन को भी
बदल दिया था, ठीक है। फिर जिसके नतीजे में यूरोप में एक नया निजाम कायम हुआ था। देन चेंजेस टू द मैप ऑफ द यूरोप, यूरोप के नक्शे में तब्दीलियां आई। तो नेपोलियन की फतुहात के नतीजे में फ्रांस के इलाके में वसत आई और फ्रांस ने बेल्जियम, इटली के कुछ हिस्सों और नीदरलैंड के जैसे इलाके थे उनको अपने यानी के अपने साथ शामिल कर लिया था, फिर जिससे उसकी सरहदें खासी वसी हो गई थी। देन क्रिएशन ऑफ द क्लाइंट स्टेटस, यानी महतात रियासतों का क्याम। तो नेपोलियन ने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ रियासतें कायम की। इसके अलावा जो उनके इतिहादियों या खानदान के अफराद की हकूमत में थी, जैसे कि मुमलिकत इटली और कॉन्फेडरेशन ऑफ द राइन, ये रियासतें जो थी वो फ्रांसीसी असर रसूख को वसत देने में बढ़ाने में अहम साबित हुई थी। देन डिसोल्यूशन ऑफ द होली रोमन एम्पायर, रोमी सल्तनत का खात्मा हुआ 1806 में नेपोलियन की फौजी कार्रवाइयों के बराह रास्त नतीजे में, जो कि यानी मुकदस रोमी सल्तनत का खात्मा हुआ था, जिसकी जगह कॉन्फेडरेशन ऑफ द राइन ने ले ली थी, जिससे फिर जर्मन ने जो यानी के रियासतें थी वो फ्रांसी असर रसूख के तहत आ गई थी। सरहदों की उसके बाद दोबारा तश्कील हुई, यानी कि 1815 में नेपोलियन की शिकस्त के बाद कांग्रेस ऑफ वियना ने पुराने निज़ाम को बहाल करने और यूरोप की सरहदों को फिर से तरतीब देने का फैसला किया। सो मेनी चेंजेस मेड ड्यूरिंग नेपोलियन रेन रिमेन शेपिंग फ्यूचर नेशन स्टेट्स। तो इस नेपोलियन के दौर की गई कुछ तब्दीलियां बरकरार रहीं जो मुस्तबिल की कौमी रियासतों की बुनियाद बनी। सियासी ताकत के तवाज़ुन में तब्दीलियाँ आईं, यानी कि नेपोलियन की फतूहत ने जो कि ट्रेडिशनल यानी बादशाहतें थी उनको कमज़ोर कर दिया था, क्योंकि कई बादशाहतें ख़त्म हो गई थी या उनमें तब्दीली आई थी। तो उनकी हुकूमत के दौरान कौम परस्ती के जज्बात परवान चढ़े थे, जिसने यूरोप में यानी के मुतलिक अनान बादशाहतों के जवाल में अहम किरदार अदा किया था। स्प्रेड ऑफ द नेशनलिज्म, उसके बाद कौम परस्ती का फरोग हुआ। नेपोलियन के दौर में इनकलाबी ख्यालात और कौम परस्ती का फैलाव मुख्तलिफ कौमी तहरीकों की वजह बना। सो पीपल बिगेन टू आइडेंटिफाई मोर विद देयर नेशंस रेदर देन विद देयर विद द एम्पायर्स और किंगडम। लोग सल्तनतों या बादशाहतों के बजाय अपनी कौमों के साथ ज्यादा वाबस्ता होने लगे थे। राइज ऑफ द फ्रांस एज अ डोमिनेंट पावर, तो नेपोलियन के तहत फ्रांस जो था वो यूरोप में एक गालिब फौजी ताकत बन गया था। तो इस तब्दीली ने ऑस्ट्रिया और प्रोशिया जैसी ताकतों को चैलेंज किया। सो लीडिंग टू अ न्यू राइवलरीज एंड टेंशन अमंग यूरोपियन नेशंस, जिससे यूरोप मालिक में नई दुश्मनियां हुई, कशीदगियां पैदा हुई। सो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यू अलायंसेस का, नए इतिहादों का क्या अमल में आया था। तो फ्रांसीसी ताकत को बैलेंस करने के लिए नए इतिहाद कायम किए गए, जैसा कि सिक्स स्टेट कोलिशन, जिसे बिलाकर नेपोलियन को शिकस्त दी, और यह तब्दीली यूरोप में ज्यादा यानी कम्प्लेक्स थी, जो कि बैन अकवामी निज़ाम की जानब इशारा भी करती है। तो इस क्वेश्चन को हम कंक्लूड करते हैं कि नेपोलियन की फौजी फतूहत ने यूरोप के नक्शे और सियासी ताकत के तवाज़ुन को नुमाया तौर पर तब्दील किया, और इसके अलावा उनके कंपेन्स ने फ्रांस के इलाके में तोसी, और इसके अलावा महतात रियासतों का क्याम और कौम परस्ती के फरोग की वजह बने, जबकि जो रवायती बादशाहतें थी वो कमज़ोर हो गई थी। तो इनकी फतूहत के बाद के असरात ने मुस्तकबिल के तनाजात और 19वीं सेंचुरी में यूरोपीय सियासत के नौ तश्कील के लिए राय हमार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुलेट द इनहेरिट स्ट्रेंथन ऑफ द प्रोशिया कंबाइंड विद बिस्मार्क पॉलिटिकल स्किल्स हेल्प टू अचीव जर्मन यूनिफिकेशन। प्रोशिया की दाखिली ताकत और बिस्मार्क की सियासी महारतों ने किस तरह जर्मनी के इतिहाद को हासिल करने में मदद दी। सो डिस्कस करते हैं रोल ऑफ प्रोशिया स्ट्रेंथ एंड बिस्मार्क स्किल्स इन जर्मन यूनिफिकेशन। 19वीं सेंचुरी के आखिर में जर्मनी का इतिहाद एक पेचीदा अमल था, एक कम्प्लेक्स प्रोसेस था, जिसमें कई अवामिल ने किरदार अदा किया। तो प्रोशिया की दाखिली ताकतों और ऑटोमन बिस्मार्क की सियासी भारत ने इस मकसद को हासिल करने में अहम किरदार अदा किया। अब इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोशिया, प्रोशिया की दाखिली ताकतें क्या थी। ताकतवर फौज थी, मुनज़्ज़म फौज थी, प्रोशिया के पास एक तरबियत याफ्ता और नज़्म ज़ब्त की हामिल फौज थी, जो इतिहाद की राह हमवार करने में यानी कि मददगार रही। उसके बाद मिलिट्री इनोवेशंस, यानी प्रोशिया ने नई फौजी हिकमत अमलियों और टेक्नोलॉजी को अपनाया, जैसे कि नेडल गन, जिससे जंगों में उन्हें काफ़ी नुमाया बढ़तरी मिली। उसके बाद उनकी इकोनॉमिक पावर थी, प्रोशिया यूरोप के एक अहम सनती ताकत था। मजबूत मईशत ने फौजी कंपेन्स को और बुनियादी ढांचे की तमीर के लिए बेहतर माली वसाइल फराहम किए। रेलवे सिस्टम क्या था, वसी रेलवे नेटवर्क ने फौजियों और वसाइल की तेज तर नकल हरकत को मुमकिन बनाया, जिससे फौजी कारकर्दगी में इजाफा हुआ। उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो प्रोशिया के पास मुस्तहकम हुकूमती स्ट्रक्चर था, जिसने बादशाह विलहम अवल के तहत मजबूत क्यादत को मुमकिन बनाया था।
who supported Bismarck unification efforts, जो बिस्मार्क के इतिहाद की कोशिशों की हमायत करते थे. Support of the Junkers, प्रशिया के अशराफिया जंकर्स ने सियासी और फौजी हमायत फराहम की, जिससे हुकूमत की अथॉरिटी को मजीद तकवीत मिली. सो अब हम बिस्मार्क के पॉलिटिकल स्किल्स को डिस्कस करते हैं कि उनके कौन सी उनके पास जो है वो सियासी लिहाज से महारतें थी. तो वो यानी कि सफारतकारी में उनके पास महारत थी, रियल पॉलिटिक का उनका नजरिया था. बिस्मार्क ने रियल पॉलिटिकल यानी रियल पॉलिटिक अपनाई थी, जिसमें अमली और यानी मसलहत पसंद नुक्ता नज़र को ज़्यादा फोकियत दी गई थी. सो इससे उन्हें हिकमत अमली के तहत इतिहाद और फैसले करने में मदद मिली. Then isolating rivals, he skillfully isolated Austria and France diplomatically, ensuring that they could not effectively oppose Prussian ambitions. हरीफों की अलहदगी हुई, बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया और फ्रांस के और सफारती तौर पर अलग कर दिया था, जिससे ये यकीनी बनाया कि वो प्रशिया के ख्वाहिशात की जो मुखालफत है वो मसर तरीके से ना कर सके. फिर हिकमत अमली के तहत जंग हुई, यानी स्ट्रेटजिक वार थी, वार ऑफ द यूनिफिकेशन. बिस्मार्क ने कई जंगों की हिकमत अमली जो है वो वजह की थी, जो जैसा कि ऑस्ट्रिया प्रोशिया जंग 1866 और इसके अलावा फ्रांस प्रोशिया जंग 1870-1871, तो जिससे क्या हुआ कि जर्मन रियासतों को प्रोशिया की क्यादत में मुतहद करने में मदद मिली. ऑस्ट्रिया प्रोशिया जंग, जिस जंग से ऑस्ट्रिया को जर्मन अमूर से बाहर रखा गया था और नॉर्थन जर्मन कॉन्फेडरेशन की बुनियाद रखी गई थी. उसके बाद इसमें जो कि यानी फ्रांस पर पर्शियन वार है, तो फ्रांस पर फतह ने जनूबी जर्मन रियासतों को प्रशिया के साथ जोड़ दिया था, जिससे कौम परस्ती का जज्बा जो है वो फरोग पाया. देन मैनिपुलेटिंग इवेंट्स, ही मैनिपुलेटेड इवेंट्स सच एज द ईएमएस डिस्पैच टू प्रोवोक फ्रांस इनटू वार, इंश्योरिंग दैट पब्लिक सेंटीमेंट फेवर्ड कॉन्फ्लिक्ट्स वार यूनिफिकेशन. यानी कि बिस्मार्क ने जो है वो प्रोपेगेंडे को मसर तरीके से इस्तेमाल किया था, ताकि अपनी जो हमायत है वो अवामी हमायत हासिल की जा सके. इसके अलावा जंगों के लिए अवामी हमायत हासिल की, उन्होंने प्रशिया को जर्मन इतिहाद के मुहाफिज के तौर पर पेश किया. फिर इसके अलावा यानी कि उन्होंने मैनिपुलेटिंग इवेंट से, यानी कि उन्होंने एम्स डिस्पैच जैसे वाक़ात को हिकमत अमली के साथ इस्तेमाल किया, ताकि फ्रांस को जंग पर उकसाया जा सके और अवामी राय को इतिहाद की हमायत में हमवार किया जा सके. सो इस क्वेश्चन को हम कंक्लूड करते हैं कि प्रशिया की दाखिली ताकत, जो इसकी ताकत पर फौज इक्तसादी कुव्वत थी और सियासी इस्तेकाम था, और बिस्मार्क की सियासी महारत में सफारतकारी में महारत, हिकमत अमली के तहत जंगी और मौसर प्रोपेगेंडा, तो इसने जर्मनी के इतिहाद को हासिल करने में अहम किरदार अदा किया. तो ये जो पीरियड था, इसमें सियासत में एक अहम तब्दीली की अलामत बना, यानी कि यूरोपीय सियासत के अंदर, और जर्मनी को बरआज़म में एक बड़ी ताकत के तौर पर कायम कर दिया. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कांग्रेस ऑफ द वीना इंस्पायर्ड नेशनलिस्ट मूवमेंट्स अक्रॉस यूरोप इन द रेवोल्यूशंस ऑफ द 1830 एंड 1848, एनालाइज. कांग्रेस ऑफ वियना ने किस तरह 1830 और 1848 के इनकलाबात में यूरोप भर में कौम परस्त तहरीकों को मुतासिर किया था. तो कांग्रेस ऑफ वियना को कौम परस्त तहरीकों और 1830 और 48 के इनकलाबात के ऊपर क्या असर रहा, इसको हम डिस्कस करते हैं. कांग्रेस ऑफ वियना का मकसद जो था वो नेपोलियन की जंगों के बाद यूरोप में इस्तेकाम बहाल करना था. सो हिज डिसीजन इंस्पायर्ड नेशनलिस्ट मूवमेंट्स दैट लीड टू सिग्निफिकेंट रेवोल्यूशंस इन 1830 एंड 1848. तो इसने 1830 और 1848 में नुमाया इनकलाबाद को जन्म दिया था, यानी इस फैसले कौम परस्त तहरीकों के लिए ये मुहिम बने थे. उसके बाद कांग्रेस के मकासद क्या थे, तो बादशाहत की बहाली थी. इसका मकसद कि कांग्रेस का मकसद पुरानी बादशाहतों को दोबारा बहाल करना था, जो नेपोलियन ने ख़त्म कर दी थी. इसके बाद बैलेंस ऑफ द पावर, ताकत का तवाज़न. सो कांग्रेस ने यूरोप में ताकत का तवाज़न कायम करने की कोशिश की, ताकि कोई एक कौम बहुत ज़्यादा ताकतवर ना हो सके. तो इस कांग्रेस के नतज क्या निकले, इलाकाई तब्दीलियाँ आई, सरहदों को दोबारा तरतीब दिया गया, जिससे मुख्तलिफ नस्ली गिरोहों में अदम इत्मीनान पैदा हुआ, और जो अब गैर मुल्की हुक्मरानी के तहत आ गए थे. उसके बाद सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म, कांग्रेस ने जो है कंजर्वेटिज्म को फ़रोग दिया और कौम परस्त लिबरल तहरीकों को दबाने की कोशिश की, जिससे जो है वो नागवारी मजीद बढ़ गई थी. नेशनलिज्म एंड रेवोल्यूशंस ऑफ द 1830, तो इसमें जो कंजर्वेटिज्म थी उसकी मुखालफत की गई थी 1830 के इनकलाबात के असबाब, यानी कि उन असबाब से ये थे कि इसमें कंजर्वेटिज्म को अपोज किया गया था. इसके अलावा यानी कि लिबरल आइडियाज़, लिबरल ख्याल का भी असर था.
तो कांग्रेस के जारहाना इकदाम की वजह से लिबरल और कौम परस्तों में बड़ी सतह के ऊपर बेचैनी पैदा हुई थी। दूसरी वजह लिबरल ख्यालात का असर था। इनलाइनमेंट के नजरियात और फ्रांस में जुलाई के इनकलाब की कामयाबी ने जो है वो दूसरे ममालिक में इस तरह की तहरीकों को जन्म दिया था। अब हम डिस्कस करते हैं इसके अहम वाकयात को, की इवेंट्स को। जुलाई रेवोल्यूशन दिन फ्रांस 1830, तो चार्लिस डेम के इकतदार से हटने के बाद जो है वो लुई फिलिप के तहत एक यानी आइनी बादशाहत कायम हुई थी। तो स्प्रेड ऑफ द रेवोल्यूशन, फिर इनकलाबात का फैलाव आया। फ्रांस में कामयाबी ने बेल्जियम, पोलैंड और इटली में बगावतों को जन्म दिया। वेयर पीपल्स और इंडिपेंडेंस आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, तो इससे जहाँ पर यानी कि लोगों ने आज़ादी या फिर आइनी हकूक का मुतालबा किया था। इसके नतज क्या रहे? बेल्जियम की आज़ादी थी। बेल्जियम ने नीदरलैंड से कामयाबी आज़ादी हासिल कर ली थी। उसके बाद जो है वो नाकाम इनकलाबात थे रूसी हुक्मरानी के खिलाफ, जो पोलिश बगावत थी वो नाकाम उसको बना दिया गया था, जो कौम परस्त तहरीकों के चैलेंजेस को जाहिर करता है। उसके बाद कौम परस्ती और 1848 के इनकलाबात क्या थे, इसकी वजूहत क्या थी? तो इसकी बड़ी सतह के ऊपर जो एक वजह थी वो बेचैनी थी, यानी मुआशी मुश्किल थी, खुराक की कमी और सियासी जबर ने अवाम में बेचैनी को मजीद बढ़ाया था। उसके बाद 1830 के इनकलाब का भी असर था। इसकी दूसरी वजह कि जो पिछले इनकलाबात थे उनमें यह दिखाया कि तब्दीली मुमकिन है, जिससे लोगों में हकूक और खुद मुख्तारी का मुतालबा बढ़ गया था। इसके की इवेंट्स क्या हैं इस इनकलाब के? तो इन इनकलाब के नतीजे में यानी आर्जी असलाहत हुई थी। तो इसके अलावा इसमें जो है कदमत पसंदी जो थी उस इस तरह की कुतें थी उन्हें दबा दिया गया था। इन नाकामियों के बावजूद इन इनकलाब ने पूरे यूरोप में कौमी इतिहाद और इसके अलावा आज़ादी के बढ़ते हुए जज्बात को नुमाया किया था। इसके नतायज क्या थे? कांग्रेस ऑफ वियना ने जिन्हें बिलवास्ता तौर पर कौम परस्त तहरीकों को मुतासर किया था। तो इसके बाद कौम परस्त ख्वाहिशात थी यानी आर्जी कामयाबियाँ थी। इन इनकलाब के नतीजे में आर्जी असलाहत हुई थी और फिर कदमत पसंद कूत ने उन्हें दबा दिया। इसके अलावा इन नाकामी के बावजूद इन इनकलाब ने कौमी इतिहाद आज़ादी के बढ़ते हुए जज्बात को वाज़ेह कर दिया था। तो कांग्रेस ऑफ वियना ने जो है वो बिलवास्ता तौर पर कौम परस्त तहरीकों को मुतासर किया और 1830 और 1848 के इनकलाबात को हवा दी। फिर इन इनकलाबात में से कई नाकाम भी रहे थे इनकलाब, मगर उन्होंने मुस्तकबिल की जो कौम परस्त तहरीकें थी और यूरोपी यानी कौमों का इतिहाद था उसकी बुनियाद रखी थी। सो खुद मुख्तारी और कौमी जो शनाख्त थी उसकी ख्वाहिश यानी यूरोपी सियासत में वाजे तौर पर वाजे होती चली गई थी, ठीक है, और कांग्रेस के जो कायम कदामत पसंद निज़ाम था उसको ये चैलेंज करती थी। सो सेक्शन टू में हमारा क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब हाउ द मैप ऑफ द यूरोप वाज चेंज बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड पोस्ट वॉर ट्रीटीज, यानी पहली जंग अजीम और बाद अज जंग वायदों की वजह से यूरोप के नक्शे में क्या तब्दीलियाँ हैं। सो डिस्कस करते हैं, पहली जंग अजीम ने यूरोप के जो सियासी मंजरनामा था उसको वाज तौर पर तब्दील कर दिया। जंग के अख्ताम और इसके अलावा इसमें बाद में जो किए गए माहदे थे उसके नतीजे में सरहदों को फिर से तश्कील दिया गया। डिसोल्यूशन ऑफ द एम्पायर, सल्तनत का खात्मा हुआ और नए यानी नेशंस की ममालिक जो है वो वजूद में आए। अब नक्शे में तब्दीलियों की वजूहत क्या थी? एक वजह थी सल्तनतों का अख्ताम। तो इस यानी कसीरुल कौमी सल्तनत का खात्मा हो गया था जिससे मुख्तलिफ कौम में आज़ादी की ख्वाहिश पैदा हुई। उसके बाद उस्मानी सल्तनत यानी पहली जंग अजीम के बाद उस्मानी सल्तनत कमज़ोर हो गई और इसने यूरोप और मशरक़ के वस्ती में अपने इलाके खो दिए थे। फिर नेशनलिज्म का अरूज आया, यानी कि मुख्तलिफ नस्ली गिरोह ने खुद मुख्तारी का मुतालबा किया, ठीक है, जिससे फिर आज़ाद रियासतों की तश्कील की राह हमवार हुई और इस आज़ादी की ख्वाहिश भी पैदा हुई। जैसे मालिक थे यूगोस्लाविया और यूगोस्लाविया इन कौमों के इतिहास से वजूद में आए जिन्होंने मुश्तरक नस्ली बुनियादों के ऊपर आज़ादी चाही थी। की पोस्ट वार ट्रीटीज, तो अहम यानी अहम बाद अज जंग माहदे कौन से थे? इसमें जो पहला माहदा था वर्सल्स माहदा था 1999 का। उसके बाद जर्मनी के नुकसान क्या थे कि जर्मनी ने फ्रांस और इसके अलावा जो यानी कि अल्जास और लोरेन, पोलैंड और बेल्जियम उनको अपनी ज़मीनें दे दी थी और इसे मसला जो कम करने और तावान अदा करने के ऊपर मजबूर किया गया था। क्रिएशन ऑफ द न्यू नेशंस, और इसके अलावा जो है न्यू नेशंस का क्या अमल में आया था इस माहदे ने, यानी कि मुख्तलिफ जो रियासतें थी जिस तरह से यूगोस्लाविया और पोलैंड जैसे नए ममालिक थे इनको कायम किया, जिसने वस्ती और मशरकी यूरोप के नक्शे में काफ़ी तब्दीलियां की।
उसके बाद दूसरा मुआहिदा था सेंट जर्मन मुआहिदा 1919 ऑस्ट्रिया का अख्ताम हुआ। इसमें ऑस्ट्रिया ने अपने इलाके खो दिए और नई ऑस्ट्रियाई रियासत अपने पिछले हिस्से की नस्बत काफ़ी छोटी रह गई थी और मुख्तलिफ नस्ली गिरोहों ने आज़ादी का मुतालबा कर दिया था। उसके बाद जोगोस्लाविया की तश्कील आई। इस माहदे ने मुमलिकत सर्ब करवट और सलवेनी की बुनियाद रखी थी जिसने जनूबी स्लाव कौमों को मुतहद किया था। उसके बाद तीसरा माहदा था सेवरे माहदा 1920 के अंदर हुआ था, तो इस माहदे ने उस्मानी सल्तनत को मजीद तकसीम कर दिया फिर जिससे मशरक वस्ती में नए ममालिक और मैंडेट का क्याम अमल में आया था। इमरजेंस ऑफ द मॉडर्न तुर्की जदीद तुर्की का क्याम, तो माहदे की साख्त शराइत ने तुर्क जंग आज़ादी को जन्म दिया था जिसके नतीजे में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की क़यादत में जदीद तुर्की का क्याम अमल में आया। देन डिस्कस करते हैं मेजर टेरिटोरियल चेंजेस। न्यू कंट्रीज एस्टेब्लिश्ड, यूगोस्लाविया ऑस्ट्रिया हंगरी सल्तनत के इलाकों से बनाया गया था जिसमें चेक और स्लोवाक कौमों का इत्तेहाद हुआ था। उसके बाद यूगोस्लाविया मुख्तलिफ जनूबी स्लावो इलाकों को एक रियासत में मुतहद कर दिया गया था। और उसके बाद सरहदों में तब्दीली आई, पोलैंड की बहाली हुई, पोलैंड दोबारा आज़ादी हासिल की और जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस से अपना इलाका वापस ले लिया। एक्सपेंशन ऑफ द फ्रांस, फ्रांस ने अल्जास और लोरेन वापस हासिल किया और मशरक में अपनी सरहदों को बढ़ाया। श्रिंकिंग अम्पायर, फिर दोनों सल्तनतें जो थी वो अपने जो सबका शक्ल थी उसमें वो ख़त्म हो गई जिससे नए ममालिक की तश्कील हुई और इलाकाई नुकसान का सामना भी करना पड़ा। तो इस क्वेश्चन को कंक्लूड करते हैं कि पहली जंग अजीम और बाद के माहदों की वजह से यूरोप का नक्शा ड्रामाई तौर पर तब्दील हो गया था, सल्तनतों का खात्मा हुआ, इसके अलावा कौम परस्ती का अरूज था, नए ममालिक का क्याम था और इसने यूरोप के सियासी मंजरनामे में तब्दीली लाई। तो इन तब्दीलियों ने मुस्तकबिल के तनाजात और कशीदगियों की बुनियाद रखी, ठीक है, क्योंकि नए बनने वाले ममालिक ने अपनी शनाख्त और सरहदों को मुस्तहकम करने की कोशिश की थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन व्हाट वेज डिड द मार्शल प्लान द डिवाइडिंग बर्लिन द कम्युनिस्ट टेक ओवर ऑफ द पावर इन चेकोस्लोवाकिया एंड द फॉर्मेशन ऑफ द नेटो कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कोल्ड वॉर एनालाइज। मार्शल प्लान बर्लिन की तकसीम और चेकोस्लोवाकिया में कम्युनिस्ट इख्तदार का कब्जा और नेटो की तश्कील ने साध जंग की तरक्की में किस तरह से हिस्सा डाला। सो हम वो फैक्टर्स डिस्कस करते हैं जो कि जिन्हें कंट्रीब्यूट किया कोल्ड वार की डिवेलपमेंट के अंदर। तो साध जंग दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान सियासी कशीदगी का दौर था। मार्शल प्लान, बर्लिन की तकसीम, चेकोस्लोवाकिया में कम्युनिस्ट इख्तदार का कब्जा और नेटो की तश्कील, इस तरह के जो अहम वाकयात थे उन्होंने कशीदगी को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। अब मार्शल प्लान 1947 का था, तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि मार्शल प्लान क्या था। अमेरिका का इकदाम था जिसके तहत मगरबी यूरोपीय ममालिक को दूसरी जंग अजीम के बाद अपनी मईशतें बहाल करने के लिए माली इमदाद दी गई थी, ठीक है। और अब हम डिस्कस करते हैं उसके कंट्रीब्यूशंस को। तो सोवियत यूनियन ने मार्शल प्लान को अमेरिका की तरफ से यूरोप में अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाने और सोवियत ताकत को महदूद करने की कोशिश के तौर पर देखा था। उसके बाद डिवीजन ऑफ द यूरोप, तो इस इमदाद ने मगरबी ममालिक और सोवियत कंट्रोल वाले जो मशरकी ममालिक थे उनके दरमियान तकसीम को जवाजी तकसीम को बढ़ाया था, फरोग दिया था, ठीक है। फिर जिससे जो आयरन कर्टन था यानी आयनी पर्दा, इसको आयनी पर्दा भी कहा जाता है। और डिवाइडिंग ऑफ द बर्लिन 1949, फिर बर्लिन की तकसीम हुई दूसरी जंग अजीम के बाद बर्लिन को मशरकी बर्लिन और इसके अलावा सोवियत यानी यूनियन के जेर कंट्रोल और मगरबी बर्लिन कंट्रोल बाय द वेस्टर्न अलायंस यानी मगरबी इत्तेहादियों के जेर कंट्रोल में तकसीम कर दिया गया था। अब कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं जो कि इसके बर्लिन की यानी कि कंट्रीब्यूशन थी कोल्ड वॉर टेंशन में, तो इसमें जो है वो बर्लिन ब्लैक कोड था, बर्लिन नाकाबंदी 1948-1949, तो सोवियत यूनियन ने मगरबी बर्लिन तक रसाई को रोक दिया ताकि इत्तेहादियों को निकालने पर मजबूर किया जा सके, और जिसके जवाब में अमेरिका और उसकी इत्तेहादियों ने बर्लिन या लिफ्ट के जरिए मगरबी बर्लिन को फिजाई रास्ते से सामान फराहम किया। Then symbol of the divisions. Berlin became a symbol of the ideological conflicts between capitalism and communism, heightening tensions between the two blocks. So Berlin sarmayadar jo the wo maghreb aur communist mashreq ke darmiyan azyati tanazu ki alamat ban gaya tha jisse dono blocks ke darmiyan kashidgi mein azafa hua. Communist takeover in Czechoslovakia in 1948. February 1948 mein Soviet Union ki himayat se communist party ne चेकोस्लोवाकिया में बगावत करके इक्तदार के ऊपर कब्जा कर लिया था। देन कंट्रीब्यूशंस टू द कोल्ड वॉर टेंशंस, और इसके अलावा यानी 1948 में सोवियत यूनियन की हमायत से कम्युनिस्ट पार्टी ने बगावत करके इक्तदार हासिल किया
फिर इसकी वजह से मगरब में भी खौफ पैदा हो गया था। कम्युनिस्ट इकतदार के कब्जे ने मगरब वाले को खौफ ज़दा कर दिया था और इसके इस ख्याल को तकवीत दी कि जो कम्युनिज्म है वो यूरोप में फैल रहा है। तो उसके बाद फिर सोवियत का जो असर रसूख था वो बढ़ा, उसके अंदर इजाफा हुआ, यानी यूगोस्लाविया के ऊपर जो कम्युनिस्ट कंट्रोल था उसने सोवियत ब्लॉक को मजबूत किया। इन प्रमोटिंग द वेस्ट टू रिएक्ट विद ग्रेटर यूनिटी अगेंस्ट द परसीव्ड थ्रेट, जिससे मगरब मालिक ने कम्युनिज्म के खतरे के खिलाफ ज्यादा इतिहाद के साथ रद्द अमल दिया। फॉर्मेशन ऑफ द नेटो 1949, नेटो की तश्कील हुई। नेटो जो था वो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो एक फौजी इतिहाद था जो मगरब मालिक के दरमियान बनाया गया था और बुनियादी तौर पर सोवियत हमले के मुमकिन खतरे के खिलाफ इजमाई दिफा के लिए बनाया गया था। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कोल्ड वॉर टेंशन की यानी के अंदर कौन सी कंट्रीब्यूशन थी। तो इसमें फौजी इतिहाद था, यानी नेटो की तश्कील को यूरोप में सोवियत इन्फ्लुएंस के खिलाफ एक बड़ा रास्त चैलेंज के तौर पर देखा गया था। प्रमोटिंग द सोवियत टू स्ट्रेंथन देयर मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अलायंसेस, जिसके नतीजे में सोवियत यूनियन ने अपने फौजी और सियासी इतिहाद को मजबूत किया। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो वारसा मुआहदा हुआ था 1955 में, तो नेटो के जवाब में सोवियत यूनियन ने वारसा मुआहदा तश्कील दिया, जिससे जो कम्युनिस्ट ममालिक थे उनका एक फौजी इतिहाद कायम हुआ और यूरोप में तकसीम मजीद गहरी हो गई थी। सो इस क्वेश्चन को कंक्लूड करते हैं कि मार्शल प्लान, बर्लिन की तकसीम और इसके अलावा यूगोस्लाविया में कम्युनिस्ट इकतदार का कब्जा, नेटो की तश्कील, तो ये वो अहम वाक़ियात थे जिन्होंने सादी जंग की शिदत को शिदत दी और इन वाक़ियात ने ना सिर्फ मशरक़ के अंदर और मगरब के दरमियान तकसीम को मजबूत किया बल्कि बाहमी शिक और मुकाबले का ऐसा फ्रेमवर्क भी कायम किया जिसने कई यानी अरसे तक बैन अक्वामी तालुकात को मुतासर किया। सो ईच इवेंट कंट्रीब्यूटेड टू द लार्जर नैरेटिव ऑफ द आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स रिजल्टिंग इन अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ द टेंशन दैट शेप्ड द ग्लोबल ऑर्डर ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द 20वीं सेंचुरी, ठीक है, यानी जिसके नतीजे में क्या हुआ कि आलमी सतह के तनाव में इजाफा हुआ और एक ऐसा दौर आया जिसने 20वीं सदी के यानी के निसफ आखिर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, सो योर राइट नोट्स ऑन टू द फॉलोइंग यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिस्ट ईसी बल्कन क्राइसिस 1990 और जर्मन क्वेश्चन। सो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ईसी, इसको डिफाइन करेंगे कि ईसी क्या है। यूरोपियन मौशी कम्युनिटी 1957 में मुआहदा रोम के जरिए कायम की गई थी, जिसका मकसद क्या था कि यूरोपीय ममालिक के दरमियान मौशी तावन मुश्तरक मार्केट को कायम किया जाए। उसके बाद इसके बुनियादी अरकान कौन से थे, इसके बुनियादी छः रुकन ममालिक हैं बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली और इसके अलावा लक्समबर्ग और इसके अलावा इसमें यानी नैदरलैंड शामिल था। तो ये इसके हैं फाउंडिंग मेंबर्स थे। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ईसी का मकसद क्या है, तजारती रुकावटों को ख़त्म करना और कस्टम्स यूनियन का क्याम ताकि माल खिदमात सरमाया और मजदूरों की आज़ादाना जो नकल हरकत है मूवमेंट है फ्री मूवमेंट है उसको यकीनी बनाया जा सके। उसके बाद इसमें सियासी इस्तेकाम था, यानी ईसी ने मौशी तामन के फरोग से यूरोप में जंग के बाद अमन और इस्तेकाम को यकीनी बनाने की कोशिश की। अब इसकी कामयाबियाँ कौन सी थी, तो इसमें सिंगल मार्केट है, यानी ईसी ने कामयाबी से एक मुश्तरक मार्केट कायम की जिससे रुकन ममालिक के दरमियान तजारत में इजाफा और इक्तसादी तरक्की मुमकिन हुई। फिर एक्सपेंशन वक्त के साथ ईसी में मजीद ममालिक शामिल हुए जो कि 1993 में यूरोपीय यूनियन के क्याम की वजह बने। उसके बाद इसमें जो इसकी ईसी था, ईसी ने यूरोप में गहरे सियासी और मौशी इंतजाम की बुनियाद रख दी थी, तो जिससे यूरोपीय यूनियन का क्याम आया, मुश्तरक करेंसी यूरो के नफाज का रास्ता भी हमार हुआ। उसके बाद हम अपना दूसरा पॉइंट देखते हैं, बिल्कुल क्राइसिस 1990, ठीक है। सो इसका हम बैकग्राउंड डिस्कस करें तो यूगोस्लाविया के बाद का यानी कि जो कॉन्टेक्स्ट है बिल्कुल बोरान 1990 की दहाई में यूगोस्लाविया के इन्हदाम के बाद सामने आने वाले तनाजात का ये एक मजमू है। और एथनिक टेंशन क्या है कि मुख्तलिफ ग्रोह हैं जिसमें सरब, कुर्ड्स, बोस्नियाई को शामिल हैं, तो इनके तवील मदती नस्ली तनाव ने बहरान को हवा दी। इसके की इवेंट्स क्या हैं, क्रोशियाई जंग आज़ादी हुई, जंग आज़ादी, क्रोशिया ने यूगोस्लाविया से आज़ादी का ऐलान किया और इसके अलावा तो इस आज़ादी के ऐलान किया जिससे सर्बी अफवाज के साथ तनाजा शुरू हुआ। और बोस्नियाई जंग 1990 टू 1995 तक थी, बोस्निया की आज़ादी के ऐलान के बाद नस्ली कशीदगी खूनी जंग में बदल गई थी, ठीक है। सो नस्ली कशीदगी एक खूनी जंग में बदल गई, खासतौर पर बोस्नियाई के खिलाफ सर्बी अफवाज के हाथों नस्ल यानी नस्ली सफाई के वाकयात देखे गए थे। उसके बाद इंटरनेशनल रिस्पॉन्स क्या था इसके ऊपर, कि नेटो ने मदाखलत की
और बैन अक्वामी कम्युनिटी खासतौर पर नेटो ने तशद्दुद को रोकने के लिए मदाखलत की थी एंड कल्मिनेटिंग इन एयर स्ट्राइक्स अगेंस्ट बोस्नियन सर्ब फोर्सेस। और इसका जो इख्तिताम था वो बोस्निया सर्ब भी अफवाज के खिलाफ फिजाई हमलों के ऊपर हुआ था। और उसके बाद फिर डेटन मुआहदा हुआ 1995 का, तो इस अमन मुआहदे ने बोस्नियाई जंग को ख़त्म किया और बोस्निया और हर्जेगोविना में हुकूमती और अमन के फ्रेमवर्क को तश्कील दिया। सो इन जंगों ने जानों के बड़े नुकसान, आबादी के बेगार होने और खित्ते में इंसानी बहरान को जन्म दिया था। इसके अलावा इसमें सियासी तकसीम भी थी। द बलकान स्टेट्स इमर्ज विद कम्प्लेक्स पोलिटिकल स्ट्रक्चर्स एंड ऑन गोइंग एथनिक टेंशंस अफेक्टिंग स्टेबिलिटी इन द रीजन फॉर इयर्स टू कम। यानी कि बलकान रियासतें जो थीं वो पेचीदा सियासी स्ट्रक्चर और जारी नस्ल तनाव के साथ उभरी जो आने वाले सालों में खित्ते में इस्तेकाम को मुतासिर करता है। सो ये यूरोपियन हिस्ट्री के पास्ट पेपर 2021 के तमाम क्वेश्चन को हमने वन बाय वन डिस्कस किया है। सो इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।